हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET 2019 इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके पार्ट नंबर 3 आपके लिए लेके आया हूं। TGT PGT PRT तीनों में हरियाणा जीके पूछी जाएगी। 16 व 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं है के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पे दबाइए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए। आपको लेके चलता हूँ आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। पहला प्रश्न है, फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है। तो इसका उत्तर है हिसार। स्टार मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भिवानी में स्थित है। हरियाणा का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है, तो श्री बंसीलाल को। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, तो आचार्य बलदेव बाबा रामदेव के गुरु थे। समाचार पत्र जाट गजट की शुरुआत किसने की, तो ये सर छोटू राम ने की थी। भारतीय सीमेंट निगम कहाँ पर स्थित है, तो ये चरखी दादरी में स्थित है। हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव कौन सा है, तो सी हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जो कि हिसार में स्थित है। हरियाणा में भाप लोकपेंट संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो ये रेवाड़ी में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वाहन चोरी से संबंधित मुद्दों की शिकायत के लिए हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान ऐप लॉन्च किया गया, तो ये उत्तर है मैं चौप पकड़ ऐप। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रेंजांग ला की लड़ाई हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, तो रेवाड़ी से संबंध रखती है भाई। फरीदाबाद की बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, 1947 में बड़खल झील का निर्माण हुआ था। हरियाणा में श्री संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र संग्रहालय जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के चंडीगढ़ विंग के अधीन है, तो ये थानेश्वर संग्रहालय चंडीगढ़ के अधीन है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सांग के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है, तो दीपचंद्र ब्रह्मांड को जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पर स्थित है, तो दमदमा झील हरियाणा की कृत्रिम झील है जो कि सोना गुरुग्राम स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में बसई आदम कहाँ पर स्थित है, तो बसई ग्राम गुरुग्राम में स्थित है। किस राज्य को भारत के गेहूं के टोकरे के नाम से जाना जाता है, तो वह भाई गेहूं के टोकरे के नाम से हरियाणा को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बरायगढ़ पहाड़िया कहाँ पर स्थित है, तो ये अम्बाड़ा में स्थित है भाई, जिसे जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो जुड़वा शहर के रूप में अम्बाड़ा शहर को जाना जाता है, क्योंकि अम्बाड़ा शहर और अम्बाड़ा छावनी दोनों क्षेत्र हैं, जिसे ट्राइमेंट भी कहा जाता है। चंडीगढ़ पंचकुला और मोहाली को ट्राई सिटी कहा जाता है हरियाणा की, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का अरावली का प्रतिशत कितना है, तो 3.09% अरावली का आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जगदरी यमुनानगर के यमुनानगर में खाद्य मिट्टी का क्षेत्रीय नाम खालिस्तान है, तो यहाँ की सोर मिट्टी। जगदरी यमुनानगर में भाबर मिट्टी का क्षेत्रफल का नाम खालिस्तान है, तो कांडी मिट्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चावल की अधिगम खेती हरियाणा के किस क्षेत्र में की जाती है, करनाल में। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य में खालिस्तान मिट्टी का अधिगम आवरण है, कछार की मिट्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था अरुणा। अगला क्वेश्चन आता है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो पुरस्वानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, घग्गर नदी हरियाणा में मारकंडा नदी से कहाँ मिलती है, तो ये पिंजौर कुरुक्षेत्र में जाके मिलती है भाई। उसका अगला क्वेश्चन है, तांगली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है,
तो मोरनी हिल्स पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी के गठन से पहले हरियाणा का कौन सा नया जिला बना? तो नूह बना था भाई चरखी दादरी से पहले, मेवात। हरियाणा राज्य विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, नृत्य पत्थर हरियाणा के विलेज किस विलेज व डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? तो चरखी दादरी का काली याना गांव में पाए जाते हैं नृत्य पत्थर। अब तक कितनी बार हरियाणा को राष्ट्रपति शासन के तहत तैयार किया गया था? तीन बार राष्ट्रपति शासन लग गया, 1967, 1973, 1991। तांजेवाला बैरंग खां कहाँ स्थित है? तो ये यमुनानगर में स्थित है भाई। हरियाणा राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? तो ये हिसार में है। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जींद में। किस शहर में हरियाणा का शिक्षा शहर भी कहा जाता है? सोनीपत को हरियाणा का शिक्षा शहर कहा जाता है। हरियाणा में किस स्थान को बोकियन कब्जा जैसे नामों से भी जाना जाता है? तो यो मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सांगी कृष्णलाल भट्ट को जय कहाँ से हुई थी? तो मेरठ यूपी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का आवरण कहाँ किया गया? तो टोपरा यमुनानगर में किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वीपी पीएटी मशीनों पहली बार के लिए हरियाणा में प्रयोग कहाँ किया गया? तो जींद में। अगला क्वेश्चन आता है, प्रदूषण की निगरानी के लिए आधुनिक संनाचिक निर्देशन किस देश में खरीदे जाते हैं? तो फ्रांस में खरीदे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, SERT ने राज्य स्तरीय 46वें जवाहरलाल नेहरू गणित विज्ञान और पर्यावरण प्रबंधी का आयोजन कहाँ किया? तो ये SERT गुरुग्राम में स्थित है भाई। पृथ्वीराज राज्य के रूप में की जीवनी किसने लिखी? तो चंद्र प्रभाताई ने इसकी जीवनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तराइन हरियाणा के खालिस्तान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तराइन हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हंसी ने त्राइल की पहली लड़ाई के दौरान पृथ्वीराज चौहान की मदद की, किसने की थी? मोहम्मद राय को। अगला क्वेश्चन आता है, गढ़वाल ने त्राइल की दूसरी लड़ाई के दौरान मोहम्मद गोरी की मदद की, तो ये राजा जयचंद्र ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन आता है, हांसी के खालिस्तान और रेवाड़ी के खालिस्तान ने दिल्ली में चौहानों की हार के बाद मोहम्मद गोरी को रोकने की कोशिश की थी, किसने की थी भाई? हांसी के जाटवा और रेवाड़ी के गवर्नर राव तेजपाल ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, त्राइल की लड़ाई 1215 में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी, तो किसके बीच लड़ी गई थी? शमसुद्दीन और यलुदुज के बीच लड़ी गई थी त्राइन की लड़ाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का सबसे छोटा कौन था भाई? पलवल खालिस्तान का बल इब्राहिम था। हसी भाई अगला क्वेश्चन आता है, जलालुद्दीन खिलची खालिस्तान का इकदार था, तो ये कहाँ का था? कैथल का था। अगला क्वेश्चन आता है, हिसार जूनागढ़ और फतेहाबाद शहर किस शासक द्वारा स्थापित किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और प्रश्न नंबर 55, सूरज कुंड कृष्ण मेला 2019 में के लिए थीम देश है थायरलैंड।
तो ये थे हरियाणा कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा जीके के, जो कि हरियाणा स्टेट में आने की संभावना है। अगर आप इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। यह वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान कर सभी का दिन शुभ रहे।